आज बहुत सुंदर सा उपाय है, बहुत सुंदर सा शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहाँ से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता, करना जरूर। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। जिसके घर में कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, दफ्तर में, पुलिस आए, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर पेशन में अगर पैसा जा रहा है, चूहे मेहमान सहार मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं है, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ ले आते दिया पर मां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे भैया हमारा पैसा लौटा था, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री ताल पर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल जराकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान का पड़ा हुआ है, मांसाहार में जुए आतिक में जा रहा है, तो भी लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह रहे। कई लोग इसको धन के लिए बिताते हैं, संपदा के लिए, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आया, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता, पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। जैसे गंगा के तल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते, कितने पत्ते डालते हैं 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव शंकर नहीं राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर है उस मंदिर में किसी भी पात्र में एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी जाते महाराज, उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त होती, परंतु वो भी एकादशी को ही होती। कुछ देर तक मात्र को रखा जाता है तो वही मात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए पानी। शमी की पत्ती, शमी वृक्ष का जो मात्र पहले कहा है, शमी वृक्ष की पत्तियां अदालत में या कानूनी कोई प्रोसेस के अंतर्गत कानूनी कोई कार्रवाई हो गई है या कोई अटका है काम, तो शमी की पत्तियों को एकादशी के दिन 5 जगह पर चढ़ाया जा उस कार्य पर निपटान। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर, अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है आपको मालूम है, पहले भी बताया, जैसे ये शिवलिंग है ये जलाधारी गोल, उसके सामने ये चरण, बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की जगह है, तो अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र को चढ़ाया जाए। आप शमी पत्र अशोक सुंदरी की जगह पर एक स्थान, दूसरा शिवलिंग के ऊपर, तीसरा जहाँ शिवलिंग रखा है, जहाँ शंकर का शिवलिंग रखा है उसका की भाग पर शमी पत्र को चढ़ाया जाए। चौथा नंदी का जो चरण उभरा उठा हुआ दिखे वहां शमी पत्र चढ़ाया जाए। पांचवा शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर शमी पत्र चढ़ाया जाता है, केवल एक ही बात चढ़ाना चाहिए, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, या अदालत में कार्रवाई चल रही हो, या कोई प्रशासनिक परेशानी आ गई हो, या कोई काम अटका पड़ा हुआ है, तो उसके लिए चढ़ाए। पांच स्थान है मां, पांच स्थान के लिए सभी पत्र को आप पांच चढ़ाएंगे, आपकी प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं वो सुचारू हो जाएंगी, वापस पे तकलीफ नहीं आई। शमी पत्र की मार बहुत तकलीफ है और मी हो रहा काम बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जा, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। शंकर जी के मंदिर में जाओ, तीन चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर शंकर जी की दहली पलंग चौखट पर कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया है। मूंग के जो दाने लेकर अगर हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए, और जो 31 बेलपत्र लेकर अगर हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में अशोक सुंदरी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, जार से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं,
13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यही पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे येलता। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोती सी लाइन होगी, उस मोती सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर अगर हो अपनी कामना कर पीला चंदन लाल चंदन ललाकर उस पर समर्पित करते जा, उसकी कंजी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर देखो, अपने आप पर काम हो गया होगा। अवश्य निवेदन को पर क्यों भटक रहे, जिन अर्धा लड़कियों का विवाह नहीं होता, अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको आगे में अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर साय हल्दी की बिंदी रख दी जाए, अर्धा लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ की छापे पीपल के वृक्ष पर पांच न जाती है जाए, महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है वो शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग हो, ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते किसी किसी के साथ में विपरीत परिस्थिति आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है, तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिस कर चंदन मनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर अभिषेक कराकर पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन सा महादेव, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधारना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना पिपलेश्वर, पिपलेश्वर महादेव। यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा खाकर चले गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, बहुत प्रयास कर लिया आपने, वही वही अपने मकान पर अपनी जमीन पर कब्जा कर बिखाए छोड़ नहीं रहा है, तो महाराज बर के तख्ते के ऊपर बर के पैर के नीचे बालू का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। यदि अदालत में कोई कार्यवाही चल रही है और केस नहीं निपटना तो वही शिवलिंग पर बर के पैर के नीचे जो आपने बर के पत्ते के ऊपर शिवलिंग का निर्माण कर है बटकेश्वर महादेव का, उनके ऊपर दही चढ़ा दें और दही पर चम्मच में धीरे से निकाल कर ले आइए, रुमाल पर उस दही को लगाकर अदालत में जेब में रखकर लेकर चले जाइए, विजय आप ही होगी। बात बटकेश्वर महादेव जीवन का सुख प्रदान करने आ, आज भी नियम है जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए, कहीं मंगल है कहीं राहु है कहीं केतु है कहीं काय सब दोष है कहीं कुछ है, बच्चे बच्ची का विवाह नहीं हो रहा, बार बार देखने आते हैं पर विवाह पक्का नहीं होता, कुछ ना करिए चंदन की नीन बिंदिया और उस अशोक सुंदरी के स्थान पर हाँ हाँ कर लगवा दीजिए और उसी 3 बिंदी में से थोड़ा थोड़ा सा चंदन जहाँ पर लड़का लड़की सोते हैं उस कमरे में लगवा दीजिए, 6 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कर रहा भाई सीवर वाला मारा झूठ का नहीं बोल रहा, सासपुरम की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए आनंद करते हुए आज हमारी कदा को विराम दे।